आजकल मिलेट्स का चलन काफी जोरों पर है और आप देख रहे होंगे कि नए नए सेंटर्स मिलेट के खोले जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी ग्लोबली इसको प्रमोट कर रही है और 2023 ग्लोबली ईयर ऑफ मिलेट है। इसको गवर्नमेंट इंडिया की और अब्रॉड भी इसको काफी प्रमोट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अगर डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट मिलेट को अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं तो डायबिटीज को काफी अच्छे तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इवन कुछ स्पेशल कंडीशन में रिवर्स भी किया जा सकता है, इस तरह का लोग बता रहे हैं। पर हकीकत में मिलेट की रोटी कितनी हेल्दी है और गेहूं की बनी हुई रोटी कितनी अनहेल्दी है इसके सामने, इस चीज को आज हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या इन दोनों से और बेहतर भी रोटी बन सकती है जो हमारे ब्लड शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सके, वेट लॉस में मदद करे और साथ में रिवर्सल के अंदर हेल्प करे। जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी ऊपर 5 पॉजिटिव मिलेट्स दिखाए गए हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर है कोडो मिलेट, उसके बाद में दूसरा है बार्नयार्ड मिलेट या जिसे सावा का राइस कहते हैं, उसके बाद में है ब्राउन टॉप मिलेट जिसे हिंदी में मुराद कहते हैं, उसके बाद लिटिल मिलेट जिसको कुटकी कहते हैं और उसके बाद में फॉक्सटेल मिलेट जिसे कंगनी कहते हैं। इसके 100 ग्राम के अंदर किसी भी प्रकार का मिलेट हो 330 से लगभग 360 या 370 किलो कैलोरी होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 60-70% है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत कम है तो ऐसा भी नहीं है। इसमें 60-70% कार्ब्स हैं, परंतु फाइबर भी अच्छी मात्रा में है जो लगभग 7-14% है। ऐसी स्थिति में जो नेट कार्ब रह जाता है वो है लगभग 55 ग्राम या 55% ईच 100 ग्राम, जो दूसरे अनाजों को या गेहूं को देखते हुए बेटर है। इसके बाद में प्रोटीन की मात्रा लगभग 7-14 ग्राम के बीच में है। फैट अकॉर्डिंगली आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज इसमें हाईलाइट की जा रही है डायबिटीज के मरीजों के लिए, वो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना। कई लोग इसे 40 से शुरू करते हैं, पर अक्सर मैंने ये देखा है 50-60-65 के बीच में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आंका गया है और उसी तरह नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं ग्लाइसेमिक लोड जो लगभग 27-28 से लेकर के 42-43 तक जाता है, जो कहा जाता है कि काफी कम है। परंतु आप लोगों को मैं याद दिला दूं, अगर डायबिटीज का मरीज 10 ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर अपने मील में लेता है तो ब्लड शुगर बढ़ेगी। तो अगर किसी इंसान ने 100 ग्राम मिलेट की बनी हुई चपाती खाई तो ग्लाइसेमिक लोड लगभग 30 के आसपास आएगा, जो डायबिटीज के मरीज के लिए ठीक नहीं है। डायबिटीज के मरीज का ग्लाइसेमिक लोड एक मील के अंदर 10 के नीचे होना चाहिए। जो मॉडरेट लिमिट है वो 11-20-21 की है और 20-21 के अगर ऊपर गया तो वो डायबिटीज के मरीज के लिए हाई है। अब सबसे अधिक इसके साथ में जो हाईलाइट किया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो, तो वो भी लगभग 5.5 से लेकर के 9.5 या 9 के आसपास है, जैसा आप लास्ट कॉलम के अंदर देख पा रहे हैं। अब यदि इसको हम कंपेयर करें, क्योंकि जितने भी वीडियोस आपने YouTube पर या फिर किसी गैदरिंग में किसी के मुंह से सुना होगा तो वो यही बोलते हैं कि गेहूं के अंदर बहुत ही कम फाइबर होता है। दरअसल वो इन मिलेट्स को कंपेयर करते हैं मैदा के साथ, क्योंकि मार्केट में कई जगह पर जब गेहूं का आटा लेने जाते हैं तो उसकी जगह मैदा मिलता है, या जिन लोगों ने इसको ज्यादा करके प्रमोट किया है यूरोप में अमेरिका में तो वहां पर उस मैदा की ब्रेड बनती है। तो अगर उसे देखते हुए देखा जाए तो डेफिनेटली मिलेट्स बहुत बहुत फार सुपीरियर ग्रेन है लोगों के कंज्यूम करने के लिए। परंतु अगर इसको कंपेयर गेहूं से किया जाए, होल ग्रेन वीट फ्लावर से करें, तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गेहूं के 100 ग्राम में लगभग 340 किलो कैलोरी है, 72 ग्राम इसमें कार्ब है, जबकि वहीं मिलेट्स के अंदर 60-70 ग्राम कार्ब है, तो फर्क बहुत बड़ा नहीं है। और साथ में फाइबर जो गेहूं है उसमें 11% है और मिलेट्स में 7-13% है, कई जगह पर गेहूं में 12% भी फाइबर बताया जाता है।
ऐसी स्थिति में जो नेट कार्ब है वो गेहूं के अंदर 61% आता है और वहीं पर मिलेट्स में 55% है, तो मात्र फर्क 6% का है। अब अगर आप गेहूं की एक रोटी बनाएंगे, अगर 100 ग्राम आटे से 3 रोटी बनी तो एक रोटी के अंदर 20 ग्राम शक्कर या स्टार्च आएगा जो ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। वहीं अगर आपने मिलेट की एक रोटी बनाई तो उसके अंदर लगभग 18 ग्राम शक्कर आएगी, मतलब 2% का मात्र फर्क एक रोटी पर पड़ेगा। वहीं अगर 100 ग्राम में 4 चपाती बनाई तो उस कंडीशन में 15 ग्राम गेहूं की रोटी में और मिलेट की रोटी में 14 ग्राम शक्कर आएगी। तो ये फर्क बहुत बड़ा नहीं है, मार्जिनल डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं गेहूं से मिलेट कंपैरेटिवली बेटर है, 19-20 का फर्क है, ये बात को मैं मान सकता हूं। अब वहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर देखें तो गेहूं का 54 है, उसके बाद में ग्लाइसेमिक लोड देखें तो लगभग 33 है, और अगर रेशो देखें कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर तो मेरे हिसाब से ये लगभग 6.5 बनता है, जो कहीं भी मिलेट्स के कंपैरिजन में बुरा एटलीस्ट नहीं है। अब बात बोली जाती है कि गेहूं में ग्लूटेन है, तो ग्लूटेन आपको जानकर के सरप्राइज होगा, मात्र 4% लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जो ग्लूटेन के लिए एलर्जिक है, और 95% लोग, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारे किसानों ने जो टनों के अंदर गेहूं उपजा करके स्टोर के अंदर रखवाया है FCI के गोडाउनों के अंदर, क्या वो बेकार है? नहीं, ये बेसिकली उनकी मेहनत के साथ में मजाक है। ये बात सही है कि मिलेट बेहतर है, फर्क है, आप 19-20 बोल सकते हैं, 19-21 बोल सकते हैं, परंतु जितना बदनाम गेहूं को किया गया है उतना नहीं है। मिलेट सबको बेहतर है, परंतु गेहूं 5% जो ग्लूटेन के एलर्जी वाले हैं वो कंज्यूम ना करें, अदरवाइज दिस इज गुड इनफ। इसके अंदर सारे रेशो ठीक ठाक दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर हम इसको मैदा के साथ कंपेयर करें जो मिलेट बहादुर करते हुए दिखते हैं, तो मैदा के अंदर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कैलोरी बढ़ जाती है, वो हो जाती है लगभग 360 से 370 किलो कैलोरी हो जाती है 100 ग्राम में, और इसके अंदर लगभग 75-76 ग्राम टोटल कार्ब है, और उसमें 2.7% खाली फाइबर रह जाता है क्योंकि आउटर लेयर गेहूं की निकल जाती है, तो जो नेट कार्ब है वो लगभग 71-72% रहता है। अब इस 71-72 को मिलेट के 55% से अगर कंपेयर करें तो 15-16% का फर्क है। वहीं चावल जो इसके नीचे की रो में है उससे कंपेयर करें तो उसमें मात्र 1.5% फाइबर है, और वहां पर स्टार्च पहुंच जाता है 78-79%, तो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो अगर हम मिलेट के चावल यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतर है इन ट्रेडिशनल राइस से, अगर हम मिलेट को मैदा के सामने यूज करते हैं तो इट इज एक्सेलेंट। एक रोटी के ऊपर 6-7 ग्राम का फर्क आता है एज फार एज स्टार्च इज कंसर्न, पर गेहूं के साथ में 1-2% का आता है अगर होल व्हीट ग्रेन फ्लावर लिया जाए तो, पर मैदा के कंपेरिजन में गैप इज वेरी बिग। तो वो गैप तो होल व्हीट ग्रेन की चपाती के साथ में भी मैदा का बनता है। तो लोग जो फॉरेन के अंदर यूरोप में ब्रेड खा रहे हैं उन्हें ये बोला जा सकता है कि मिलेट्स आर फार 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 सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ मैदा की ब्रेड, परंतु फ्लैट ब्रेड जो हम रोटी बनाते हैं घर में वो होल व्हीट ग्रेन के फ्लावर की चपाती है। तो अगर एक बार ग्लूटेन वाले इशू को बाजू रख दिया जाए तो 95% लोगों के लिए कोई हर्ज नहीं है। तो इतने जो गोडाउन भरे हैं उसको हम वेस्ट नहीं समझ सकते। हालांकि ये बात सही है जो मिलेट्स हैं उनमें 55% स्टार्च है, और इसको अगर हम कंपेयर करने जाएं ओट मील से तो ओट मील में 56% स्टार्च है, तो वो हिसाब से देखा जाए मिलेट इज रियली गुड उनके कंपैरिजन में भी, परंतु यूरोपियंस प्रमोट कर रहे हैं किसको? ओट मील को। इंडियंस प्रमोट कर रहे हैं किसे? मिलेट्स को। अब जब बारी आई इसके मार्केटिंग की तो ओट मील में क्या किया गया, क्योंकि उसको पकने में 30 मिनट लगता था तो उस ओट मील को स्टील कट ओट से रिप्लेस कर दिया गया, 15-20 मिनट में पक जाएगा। फिर देखा गया अनकन्वीनियंट है तो उसको रोल्ड ओट्स में कन्वर्ट कर दिया गया,
फिर देखा इसमें भी 10 मिनट लग रहा है, क्विक ओट से रिप्लेस कर दिया। अब क्विक ओट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर, तो इसमें और मैदा में फिर फर्क क्या रह गया? देखिए, गेहूं का रिफाइंड वर्जन है, प्रोसेस्ड वर्जन है मैदा। अगर ओट मील का रिफाइंड वर्जन क्विक ओट्स आ सकता है, तो मिलेट्स का भी रिफाइंड वर्जन क्विक ओट्स आ सकता है फ्यूचर में। तो आज की तारीख में तो ये काफी हेल्दी है क्योंकि अनरिफाइंड है, पर धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री के हाथ में पड़ेगा तो क्या गारंटी है कि ये मैदा के जैसा रिफाइंड होकर के या फिर ओट्स के जैसा रिफाइंड होकर के क्विक ओट्स के जैसा क्विक मिलेट्स मार्केट में नहीं आएगा। तो जब तक अच्छा है तब तक हमें इसका आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों से बेहतर कुछ और है। यहां पर अगर हम लौकी को छीलें, मिक्सर में डाल के पल्प बना लें और उसमें अपना आटा माड़ें, तो एक रोटी में जहां 4 चम्मच शक्कर होती है वो लगभग घट करके आधा रह जाता है, 2 चम्मच के आसपास। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लौकी के 100 ग्राम के अंदर मात्र 25 किलो कैलोरी है, 5 ग्राम उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और 2% उसमें फाइबर है, 3% उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जो काफी कम है। और गेहूं में है 61%। अगर दोनों को मिक्स किया तो जो अपना डो बनेगा वो लगभग 30-35% कार्बोहाइड्रेट वाला बनेगा। और अगर 100 ग्राम की 3 चपाती बनी तो एक रोटी में 10-12 ग्राम शक्कर रह जाएगा, जो लगभग आधा है। अब इसका आगे आप देख सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर हम कैलकुलेट एक एस्टिमेशन लगाएं तो लगभग 35 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में इट इज फार मोर सुपीरियर। और ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम का कितना है? मात्र 11 से 12। तो ये डायबिटीज के मरीज के लिए फार सुपीरियर हुआ। और यहीं पर अगर हमने गेहूं के आटे को मिलेट से रिप्लेस कर दिया और लौकी के प्यूरी में मार दिया, तो इट इज सुपर सुपर एंड सुपर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो सबसे हेल्दी ऑप्शन और भी हैं, इन्हें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। तो मेरे डायबिटीज के, वेट लॉस के सारे मरीजों को सलाह है कि मैदा की रोटी या फिर चावल की रोटी वर्स्ट है, गेहूं की रोटी बुरी नहीं है। अगर ग्लूटेन का एलर्जी है तो आप ज्वार बाजरा की रोटी में भी जा सकते हैं। अब मिलेट के अंदर जाते हैं, इट इज डेफिनेटली बेटर देन वीट चपाती, परंतु मैदा उससे कंपैरिजन इसका ना करें। इसका कंपैरिजन मिलेट की चपाती का किससे करें? होल वीट ग्रेन फ्लावर से। तो 19-20 या 19-21 का ही फर्क है। अब अगर हम गेहूं के आटे को लौकी के प्यूरी में माड़ करके चपाती बनाते हैं, उससे और बेहतर वर्जन क्या हो सकता है? मिलेट के आटे को लौकी के प्यूरी में माड़ के चपाती बनाए तो और अच्छी बनेगी। इसके अपार्ट कुछ और भी अच्छे वर्जन हैं। अब चने को ही ले लीजिए, चने के अंदर 40% स्टार्च है, कार्ब है। तो अगर चने को आपने लौकी के प्यूरी के साथ में माड़ा तो वो और भी अच्छा अल्टरनेट है। या मिलेट से अगर आपने चने को कंपेयर किया तो दैट विल बी मच बेटर। तो उसकी चपाती भी ली जा सकती है। इसलिए मैं डायबिटीज के मरीजों को बोलता हूं कि अगर घर के बाहर निकलें, आपको मैदा की रोटी मिल रही है, गेहूं की रोटी मिल रही है, मिलेट की अगर नहीं मिल रही है, हालांकि मिलेट के अब काफी सेंटर खुल रहे हैं, अगर मिलेट की मिल रही है तो वो यूज करें, नहीं तो मिस्सी रोटी का इस्तेमाल करें। आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में, वेट लॉस जर्नी में काफी मदद होगा। थैंक यू वेरी मच।